बच्चों का व्यवहार बहुत अच्छा है, बच्चे एक तो संस्कारी हैं, वैल्यूज हैं उनमें। हमारा जो स्कूल है उसमें बच्चे टीचर सभी एक परिवार की तरह रहते हैं। आउट ऑफ 100 में से 100 बच्चे हमारे पास हुए हैं। भाई फिलहाल ये डांस हो रहा है क्योंकि बच्चों ने ऐसा रिजल्ट निकाल दिया है। रेतीले टिलों में खड़ा हूँ, आसपास आप देखेंगे खेत है, लेकिन ये खेत भी है एक अलग तरीके के। ये एक ऐसा खेत है जहां पर पोत तैयार की जाती है भविष्य की। फिलहाल VIP सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसलवास मरेटा में आया हूँ। बच्चों का 10th का रिजल्ट हो या 12th का रिजल्ट हो, ऐसा आ गया भिवानी के बड़े बड़े स्कूलों को मात दे दी इन बच्चों ने। मेरिट वाले बच्चे खड़े हैं जिनके आपको मालाएं दिख रही होंगी गले में, और ऐसा स्वागत बच्चों का, स्टूडेंट्स को आज मालाएं पहनाई जा रही हैं स्टाफ के द्वारा। इसी बात पर ढोल बजा दो भाई। फिलहाल बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे सर, रिजल्ट कमाल का निकाल दिया आपने तो। भिवानी के बड़े बड़े स्कूलों में ऐसा रिजल्ट निकला है, वो आपने इन रेतीले टिलों में निकाल दिया। सर ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी दर्शक हैं इस चैनल के, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ विनोद जी, कि हमारा जो ये विद्यालय है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, हम छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनको तैयार करना शुरू करते हैं, और जो आज रिजल्ट आया वाकई बच्चों ने अपने बलबूते पे लिया है। हमारा जो स्टाफ है बहुत ही मेहनती और डेडिकेटेड स्टाफ है। हमारा 12th क्लास का 93% रिजल्ट आया है। आउट ऑफ 100 में से 100 बच्चे हमारे पास हुए। ऐसे ही क्लास 10th की बात करें हम, तो 10th क्लास में 97% रिजल्ट आया हमारा। ये एक बच्चे ने 97 लिया है, दूसरा 96 पे है, 95 और 90 वाले तो बच्चे ज्यादा हैं। किसी भी बच्चे का कोई कंपार्टमेंट, कोई फेल, कोई भी बच्चा नहीं, सभी बच्चे पास हैं। और आज जो खुशी का माहौल है ये सभी इन बच्चों की देन है और हमारे स्टाफ मेंबर्स की देन है। यही वजह है कि यहाँ ढोल पे थिरक रहे हैं बच्चे और डांस कर रहे हैं। स्टाफ भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं, पास आउट हो गए। अभी ये बच्चे आने वाले वक्त में इनका फ्यूचर तय होगा। कौन सी स्ट्रीम रहती है फिलहाल और क्या कुछ रहता है सर? हमारे पास आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस तीनों स्ट्रीम है। सभी बच्चे जो है अपना शिद्दत के साथ काम करते हैं, और सबसे बड़ी चीज यहाँ हम बच्चों को संस्कार देते हैं, अनुशासन में रहते हैं। शिक्षा जो है वो तो ऑटोमेटिक अपने आप आ ही जाती है, क्योंकि लोहे और चुंबक वाला खेल है। अगर चुंबक में ताकत है तो लोहा अपने आप नजदीक आ जाता है। वही हमारे विद्यालय का खेल है। टीचिंग स्टाफ की बात करें, कहाँ कहाँ से आता है सर? हमारा टीचिंग स्टाफ भिवानी से भी आता है और ग्रामीण अंचल से भी है, क्योंकि कई बार ये चीज दिखाई जाती है कि भिवानी के अंदर ही सभी बढ़िया स्टाफ है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बढ़िया स्टाफ है, लेकिन उसको परखने की कैपेसिटी होनी जरूरी है, क्योंकि जो काम हमारे ग्रामीण अंचल का स्टाफ, अब बच्चे भिवानी से थोड़ी ला सकते हैं, हम गांव से ही बच्चे आ रहे हैं, तो गांव में स्टाफ भी तो है। ऐसे ही भिवानी से जो बच्चे आ रहे हैं और यहाँ अपने जो ग्रामीण अंचल से बच्चे आ रहे हैं, सभी मिलके बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं जी। तो फिलहाल भाई रिजल्ट ने दिखा दिया है कि स्टाफ जो है वो कहीं पे भी अच्छा, अगर टीचर होगा वो किसी भी जगह बैठ के रिजल्ट निकाल सकता है। फिलहाल इन रेतीले टिलों में रिजल्ट निकाल दिया है। बच्चे हैं फिलहाल, कौन सी क्लास पास आउट हुए हो? 12th क्लास। कैसा रिजल्ट रहा? बहुत ही अच्छा रहा। कितने परसेंटाइल है आपका? मेरे से 60% है। अच्छा, और आपका? 92%। अच्छा, आपका गुड़िया? 92। कहाँ से आते हो आप लोग? भानगढ़ से। और आप? आसलवास दूबिया। अच्छा अच्छा, स्टाफ कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा है, बढ़िया है इतने? यस सर। पिटाई विटाई भी होती है क्या? नो सर, नहीं होती। क्या कहेंगे मैडम, बच्चे आपके डर से तो नहीं मना कर रहे हैं? सर हमारे बच्चे, पहली बात तो हमसे डरते नहीं है, हमारे बच्चे फ्रेंडली टीचर्स के साथ हमेशा अपना जो नेचर है वो रखते हैं। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि हमारा जो स्कूल है उसमें बच्चे टीचर सभी एक परिवार की तरह रहते हैं, और हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए ये है कि 10th क्लास में यश कुमार ने मैथ में 100 में से 100 अंक प्राप्त करके हमारे विद्यालय का जो नाम है वो रोशन किया है। मैं सभी बच्चों का धन्यवाद करती हूँ, सभी स्टाफ मेंबर की तरफ से, जिन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट हमारे सामने प्रस्तुत किया। क्या देखते हैं आप? मैं यहाँ प्राचार्य सुषमा सांगवान जी हूँ। कितने टाइम से हैं मैडम, क्या माहौल देख रही हैं? स्कूल का, फैकल्टी की बात करें और सारे सिस्टम की बात करें, कई साल पुरानी बिल्डिंग लग रही है मुझे तो, ये लग रहा है कि कई साल से लोग, हालांकि एक बार मैं पहले भी आया था। सर हमारा जो स्कूल है ये बहुत अच्छा है, यहाँ के जो बच्चे है ना वो संस्कारी बच्चे है। यहाँ से निकलने वाला हर बच्चा
कामयाबी के स्तर पर पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ से जो बच्चों को सिखाया जाता है पढ़ाई के साथ साथ एक ऐसा लेवल बच्चों को तैयार किया जाता है कि बाहर फील्ड में जब बच्चा उतरता है तो अलग से दिखता है कि ये वीआईपी संस्था में पढ़ के आया है। चलिए, नाम वीआईपी है और काम भी वीआईपी है, पढ़ाई भी वीआईपी है। यस सर, सारे वीआईपी हो गए। कितना परसेंटाइल बना? 75%। अच्छा, आपका भाई क्या? 83। अच्छा, किस स्ट्रीम के हैं आप? नॉन मेडिकल। अच्छा, आप भाई? 81। कहाँ से आते हैं? नंगला से। तो क्या आपका जो स्ट्रीम है वो कौन सा है? आर्ट। आर्ट है, सारे मिक्स हैं। आपका किस चीज का? मेरा आर्ट का। पढ़ाई वगैरह कैसी होती है? अच्छी होती है। अच्छी होती है, पढ़ाई भी अच्छी होती है। डांस नहीं कर रहे हैं? नहीं, पिटाई नहीं होती। नहीं होती, मजाक कर रहे हैं टीचर्स के साथ। यस। चलिए, आप भाई किस स्ट्रीम के हैं? आर्ट विद मैथ। कैसा स्टाफ है? बहुत अच्छा, ऐसा स्टाफ हमें कभी नहीं मिला। जो 100 से 100 वाला बच्चा कौन सा है? 100 से 100 वाला 10th क्लास में। 10th में? आप लोगों ने लेकिन मैथ में आपका सही रहा। यस सर। चलो भाई, आप फिलहाल कहाँ से हैं? आप डांस भी बोल? असलवास में, रेटा से। असलवास से, इसी गांव के हैं। यस। तो कैसा स्कूल है ये रेतीले टिल्लों में? बहुत ही अच्छा स्कूल है सर। स्टाफ वगैरह? स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और समझ में आता है। ये जरूरी ये था कि कभी ट्यूशन की जरूरत भी पड़ी? नो सर, कभी भी जरूरत नहीं पड़ी ट्यूशन की। स्कूल में पढ़े वो पढ़े हैं, घर पे भी बहुत कम ही काम किया। कोई ट्यूशन वाला बच्चा नहीं? घर पे पढ़ते थे और स्कूल में पढ़ते थे, अच्छा रिजल्ट आया हमारे स्कूल का। कहाँ जाएंगे, किस फील्ड में जाएंगे? अब आगे कॉलेज में जाएंगे? यस सर। कॉलेज में? यस सर। किस उसमें जाएंगे आप, क्या करेंगे? अब आर्ट के स्टूडेंट? यस सर। बीए करेंगे आप? बीसीए करेंगे। बीसीए करेंगे? यस सर। मैं 10th क्लास में। 10th में? अच्छा, 10th के हैं आप? आप? मैं 10th क्लास का। 10th के हूं। क्या स्कोर रहा आपका? 97%। 97? वाह भाई, वाह, कमाल कर दिया। फिर थोड़े छांव में खड़े हो जाओ, फिर तो आपको स्पेशल वो बनता है। और बेटियां हैं यहां पे, इनसे जान लेते हैं कौन सी क्लास में हो? सर 11th में, मतलब अभी 12th में हो गए हैं। यस सर। क्या कहेंगे, कैसा है माहौल यहां का? सर टीचर्स भी एकदम बढ़िया हैं और स्टूडेंट्स भी एकदम बढ़िया हैं। कहां से आते हैं? रामपुरा से सर। और आप बुढ़िया? हम एकमपुरा से सर। अच्छा, क्या माहौल है यहां? सर यहां का माहौल बहुत अच्छा है, यहां पे टीचर्स भी और स्टूडेंट भी सब अच्छे से रहते हैं। सर मैं फिलहाल तो 11th में थी और अब 12th में प्रमोट हुए, तो 11th में तो मेरे 98% थे। अच्छा। और आगे भी अब 12th में मेहनत करूंगी तो 98-99-100 के आसपास। पढ़ती है यहाँ पढ़ने के बाद ट्यूशन वगैरह की या फिर कोई? नो सर। नहीं पढ़ती? नो सर। यहाँ से ही निकाल देंगे? यस सर। अच्छा, अभी प्लस वन वाले हैं आप? यस सर। सारे प्लस वन के? यस सर, प्लस टू में हुए सर। प्लस वन जो पास आउट हुए हैं? यस सर। कैसा माहौल है गुड़िया? सर यहाँ का माहौल की बात करें तो बहुत अच्छा है और यहाँ पे गेम वगैरह भी टाइम पे होते रहते हैं। और स्टाफ, स्टाफ भी बहुत अच्छा है सर। ट्यूशन की तो सर जरूरत ही नहीं होती यहाँ पे। हम आईएएस भी हमारा एक बच्चा कर रहा है और उसका भी रिजल्ट अभी आएगा, तो सारी चीजें निकालेंगे, ऐसी बात नहीं है। आने वाले वक्त में कोई कोचिंग वगैरह के लिए प्लान? हाँ, अभी हम एक यहाँ इंस्टीट्यूशन करेंगे, वीआईपी एकेडमी ऑफ साइंस, नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ बच्चों को जो सीकर और कोटा में जो एजुकेशन दी जा रही है वही यहाँ अवेलेबल करवा देंगे। आपका मोटो है ये? यस। कौन सी क्लास में थी गुड़िया? सर मैंने 10th पास आउट की। क्या कुछ रिजल्ट रहा? अच्छा था सर। अच्छा था? यस सर। कितना रहा आपका? 90 वाले बच्चे हैं भाई, होशियार बच्चे हैं ये तो। आपका कितना रहा गुड़िया? 90। कहाँ से आते हैं आप? बानगढ़ से। अच्छा, बहुत बहुत दूर से आते हैं सर, कई गाँव से आते हैं। कितने गाँव के बच्चे आते हैं गुड़िया? यहाँ पे बहुत गांव के बच्चे आते हैं सर। कितना स्कोर रहा आपका? मेरा 80 सर। अच्छा, 10th में थे? यस सर। स्टाफ ठीक है? यस सर। वो ट्यूशन आप में से भी किसी ने नहीं? ट्यूशन नहीं। आपका गुड़िया? अच्छा रहा सर। अच्छा रहा, कितना रहा? 80% 80 है बस, तो मेरिट हासिल कर लिया आपने। यस सर। कैसा है स्टाफ का व्यवहार वगैरह, पिटाई विटाई ठीक ठाक कर देते हैं? यस सर, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, पिटाई विटाई रिजल्ट रहा? 92%। अच्छा, 10th में ही है? हाँ जी। कहाँ से आते हैं? असलवास दुबिया से। और आप गुड़िया? 93 रहा सर। आप कहाँ से आते हैं? डूडी वाला से। अच्छा, आपका गुड़िया? 91% कहाँ से? आप कहाँ से? बानगढ़ से। और आप पे? 95 आपका कितना? अलग अलग गांव से हैं भाई, फिलहाल देख सकते हैं। और ये मिठाइयाँ बट रही है, बांट दो भाई साहब, वीडियो में बांट दो, बाद में पता नहीं किसी के हिस्से आए ना आए, डरते डरते बच्चे ना खाए। फिलहाल ये लड्डू बांटे जा रहे हैं, फिलहाल आप देख सकते हैं खुशियां हैं स्कूल में। और ये वीडियो कवर करने का मोटिव हमारा यही है कि बड़े स्कूल में आप जहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बलबूते एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन ऐसे स्कूल्स में लेते हैं तो भी रिजल्ट अच्छे निकलते हैं, ये दिखाने का मेरा मोटिव था। और ये
असलवास से मरेटा कोई ज्यादा दूर भी नहीं है भिवानी से, आसपास के गांव की बात करें तो हम कई 15 एक दर्जन गांव से मेरे हिसाब से बच्चे आते होंगे यहाँ पर, 12-15 गांव से बच्चे आते हैं और रिजल्ट जो है आज यहाँ पे काफी अच्छा रहा। क्या कहेंगे मैडम, स्टाफ की बड़ी तारीफ हो रही है आपकी। हाँ जी सर, स्टाफ और बच्चे तारीफ के पात्र तो हैं ही। आप जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारे स्कूल का बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है 10th और 12th दोनों क्लासेस का, और ये गाइडेंस हमें हमारे डायरेक्टर सर श्री संदीप शास्त्री जी और हमारी प्रिंसिपल मैम श्रीमती सुषमा सांगवान जी के वजह से ये हुआ है। हर कदम पे ये हमें गाइडेंस स्टाफ को भी और बच्चों को भी ये गाइडेंस देते रहते हैं। स्टाफ और बच्चे कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से वो उसका रिजल्ट हमें रिजल्ट में दिख रहा है, बोर्ड रिजल्ट में वो दिख ही रहा है कि इतना एक्सीलेंट रिजल्ट रहा है। भिवानी के अच्छे बड़े स्कूल्स का भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है जितना हमारे स्कूल का रिजल्ट रहा है। क्या दिखाया आपने, क्या पढ़ाती हैं? इंग्लिश एंड एसएस। अच्छा, बच्चों का ठीक व्यवहार रहता है, डिसिप्लिन की बातें बहुत चल रही है। बच्चों का व्यवहार बहुत अच्छा है, बच्चे एक तो संस्कारी हैं, वैल्यूज हैं उनमें, पढ़ाई के साथ साथ उनमें वैल्यूज भी हैं और रिस्पेक्ट बहुत करते हैं टीचर्स की, स्कूल की, सबकी रिस्पेक्टफुल बच्चे हैं, बच्चों का व्यवहार बहुत अच्छा है। हाँ, ये रिजल्ट है आपके किसी भी स्कूल में आप देखेंगे तो वैसा ही रिजल्ट है जो दूसरे स्कूल्स में रहता है। इसी बात पे एक बार फिर दोबारा से ढोल बजा दो भाई।